खबर बुरहानपुर से है, जहां पर जिला न्यायालय में बैठक आयोजित की गई। लोक अदालत में पति पत्नी के बीच मेंटेनेंस राशि को लेकर चल रहा 31 साल पुराने मामले में समझौता हुआ है। दरअसल साल 1988 में सुरेखाबाई का विवाह ज्ञानेश्वर महाजन से हुआ था और वर्ष 1989 में बेटे दिनेश का जन्म हुआ और शादी के 4 साल बाद पति ज्ञानेश्वर ने दूसरा विवाह कर लिया और इस बात का पता चलने के बाद सुरेखाबाई अलग हो गई और जिला न्यायालय में मेंटेनेंस के लिए प्रकरण लगाया था। जिला न्यायालय ने साल 2003 में इस मामले में फैसला दिया और इसके विरोध में ज्ञानेश्वर ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। पिछले 20 साल से हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था मामला। मामले में निराकरण के लिए हाई कोर्ट ने इसे लोक अदालत में भेजा था। लोक अदालत में दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामले का निस्तारण किया। अब दोनों पक्ष हाई कोर्ट से मामले को वापस लेंगे। हमारे यहाँ बुरहानपुर जिले में नेशनल लोक अदालत में 11 खंडपीठ गठित की गई हैं, जिसमें सिविल मामले, आपराधिक मामले, चेक बाउंस के मामले, 138 के मामले, श्रम न्यायालय के मामले और बैंक के मामले, क्लेम प्रकरण और कुटुंब न्यायालय के प्रकरण, लगभग 1329 मामले राजीनामा योग्य रखे गए हैं और इनमें प्रीलिटिगेशन समझौता योग्य मामले 7762 मामले रखे गए हैं और इनमें हमारे यहाँ काफी लोगों का सहयोग देखने मिल रहा है।